सात आठ नौ, मुझे उम्मीद है तुम सब छिप गए होंगे। दस, तैयार हो या नहीं, मैं आ रहा हूं। अरे तुम यहां हो पक्षी? नहीं नहीं, छिपने की कोशिश मत करो, मैंने देख लिया। और तो तुम यहां हो तितली, अब बस गिरगिट को ढूंढना बाकी है। अरे ये तो बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। इस खेल में गिरगिट को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। वो अपना रंग जो बदल लेता है और आपको चकमा दे देता है। गुड लक डॉक्टर बाइनॉक्स, हम जा रहे हैं। क्या आपने ये देखा दोस्तों, गिरगिट को कुछ देर और छिपने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि गिरगिट आखिर रंग क्यों बदलते हैं। आ जाइए। गिरगिट अपना रंग बदलने के लिए काफी मशहूर होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों वो ऐसा अपने शरीर के तापमान को ठीक रखने के लिए करते हैं, शिकारियों से बचने के लिए, और दूसरे गिरगिटों को अपने इरादे बताने के लिए करते हैं। एक गिरगिट की चमड़ी में कई परतें होती हैं दोस्तों। बाहरी परत पारदर्शी होती है, इसके ठीक नीचे कुछ और परतें होती हैं जिनमें क्रोमैटोफोर्स नाम का पिगमेंट होता है, जिसमें रोशनी को प्रतिबिंबित करने वाले सेल्स होते हैं। हर स्तर पर क्रोमैटोफोर्स अलग अलग तरह के पिगमेंट के सैक से भरे हुए होते हैं। सबसे गहरी परत में मेलानोफोर्स होता है, जिसमें होता है ब्राउन मेलानिन। मेलानिन वही पिगमेंट होता है जो इंसानों की त्वचा को अलग अलग शेड्स देता है। इससे ऊपर जो परत होती है उसमें इरिडोफोर्स नाम के सेल्स होते हैं, जिनमें एक नीला पिगमेंट होता है जो नीली और सफेद रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। इस परत के ऊपर ज़ेंथ्रोफोर्स और एरिथ्रोफोर्स नाम के सेल्स होते हैं, जिनमें दोस्तों पीले और लाल पिगमेंट्स होते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जब एक गिरगिट के शरीर का तापमान या उसका मूड बदलता है तो क्रोमैटोफोर्स फैल जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं और उसका रंग बदल जाता है। गिरगिट आमतौर पर अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए तेज रंगों का सहारा लेते हैं। नर गिरगिट अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए चमकीले हो जाते हैं और गुस्सा दिखाने के लिए काले हो जाते हैं। जब ये किसी शिकारी से बचना चाहते हैं तो हरे या भूरे रंग के हो जाते हैं और आसपास की जगह में छिप जाते हैं। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि गिरगिट एक साथ एक ही टाइम दो अलग अलग दिशाओं में देख सकता है? जी हाँ, इसकी 360 कोण की नजर होती है। दोस्तों एक गिरगिट की जीप किसी पर 0.07 सेकंड में हमला कर सकती है, यानी बहुत तेज। तो अब मुझे नहीं ढूंढ पाए डॉक्टर बाइनॉक्स? जनाब आप तो छिपने के खेल में बड़े उस्ताद हैं, इसलिए मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ।